तो भाई आज हमारे पास है चमचमाते हुए नए बुलेट है दोस्तों, और इससे हमको बहुत राइडिंग करना अच्छा लगता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हमको कुछ काम दिया गया है जो कि इससे नीचे उतरना है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। नीचे गिर गए तो समझ लेना मर गए। और दोस्तों वो जो बुलेट है इसमें बहुत पावरफुल इंजन भी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी कोशिश यहाँ वहाँ जाने की करें तो ये पावरफुल इंजन हमें नीचे फेंक देगा, और भाई मैं तो गिर जाता नीचे। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मैं थोड़ा थोड़ा मेहनत करके कोशिश करके आगे आगे आता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं थोड़ा ही रह चुका हूँ दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से मैं उतर लूँगा दोस्तों। यहाँ से मैंने अच्छा खासा यहाँ पर स्लाइडिंग कर दिया है दोस्तों, और स्लाइड करते समय मैं बहुत ही अच्छा तरीके से। अरे भाई ये जो गाड़ी सामने गई थी वो किसकी थी मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे भी ये टू व्हीलर में घूमने में मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपना यहाँ पर एक कार को ले लेता हूँ दोस्तों, और न्यू चमचमाती हुई कार है दोस्तों, और इसमें से मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन क्या अगर सा आगे का जो बम्पर है दोस्तों, और दोस्तों पीछे का जो बोनेट है डिक्की है, उसको टूट जाती तो बहुत मज़ा आता, लेकिन भाई टूट ही गई। और दोस्तों यह गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, मुझको तो बहुत हाई स्पीड के साथ ये गाड़ी चलती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर स्टेयरिंग भी इसका बहुत ही पावर स्टेयरिंग है दोस्तों। अरे भाई यहाँ पर मैं आता हूँ, अरे भाई मुझे तो पेट्रोल डलवाना नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे सामने ट्रेन दिखाई देती है दोस्तों। तो ट्रेन के मैं आगे बीच आज ट्रेन को मैं चलाऊँगा, लेकिन कुछ न्यू जुगाड़ से दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ दोस्तों, और ट्रेन को ऑर्डर देता हूँ दोस्तों। इंजन पर आपको दबाना है, फिर फॉरवर्ड पर दबाना है दोस्तों, जिससे कि आपकी ट्रेन आगे चल सकेगी दोस्तों। ये भी मुझे नहीं पता था दोस्तों, लेकिन अभी भी पता चला है दोस्तों। यहाँ पर ब्रेक भी है दोस्तों, जैसे आप इसको ब्रेक पर अपना दबाओगे तो दोस्तों ब्रेक लग जाएगा दोस्तों। और नीचे भी बी वर्डम का बटन है दोस्तों, उस पर आप जैसे दबाओगे तो आपकी ट्रेन पीछे आ जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको जो है दोस्तों बम, तो इसको कैसे फोड़ना है मुझे भी नहीं पता था दोस्तों। और दोस्तों बम को फोड़ने के लिए बहुत मैं आसान तरीका आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। आपको मैं सबसे पहले बहुत सारे बम डाल देता हूँ, जो कि गाड़ी फोड़ने में बहुत मज़ा आ जाए दोस्तों। हम सारे बहुत बम डाल देते हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, बम ही कहते हैं ना। तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों इसको दूसरा भी कोई नाम है दोस्तों, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट में आप बता सकते हो इसका नाम क्या है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत सारे मैं डाल देता हूँ दोस्तों, मुझे बहुत इस गाड़ी पर गुस्सा आता है दोस्तों, इसकी खटारा कौन लेकर घूमता है। तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने न्यू कार खरीदी थी, और दोस्तों ये उसका हाल हो गया। इसको दरवाज़ा भी नहीं है दोस्तों, और दोस्तों बोनेट भी नहीं है सामने का, पीछे डिक्की भी नहीं है। तो मैं सामान कहाँ रखूँ, तो मैं इतने सारे बम खरीद लाया कि मेरे पास जितने भी पैसे थे सारे यहाँ पर उड़ा दिए दोस्तों मैंने। और दोस्तों यहाँ से मैं गाड़ी को इतना ज़्यादा फोड़ने वाला हूँ दोस्तों, इतना ज़्यादा बड़ा धमाका करने वाला। तो गाड़ी में हम चलो बैठते हैं, और दोस्तों यहाँ पर हमें गाड़ी से टक्कर करके देखते हैं कि ये बम फूटते हैं क्या नहीं। तो दोस्तों सामने गाड़ी आ रही है, इसको टक्कर दे दिया, अरे भाई ये तो नहीं फूटेगा, लेकिन उनका ही बोनेट टूट गया। तो यहाँ पर मैं रास्ते में नहीं थोड़ा अंदर चलते हैं दोस्तों ग्राउंड में, तो बहुत सारे लोग देखेंगे कि यार यहाँ पर भीड़ है, कितने सारे लोग यहाँ पर गाड़ी कैसे फोड़ता है, तो मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग। दोस्तों मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, और दोस्तों आप रेडी हो जाओ, सब जाओ रेडी हो जाओ दोस्तों फोड़ने के लिए गाड़ी। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर जैसे एक्टिवेटर दबाओगे तो भाई कितना भयानक ब्लास्ट हो गया दोस्तों, अरे गाड़ी का क्या कचुम्बर बन गया होगा दोस्तों। चलो देखते हैं एक बार, तो गाड़ी का बहुत ही नुकसान हो चुका है दोस्तों, बहुत ही ख़राब गाड़ी हो चुकी, ख़राब मतलब इसमें कुछ भी नहीं रह चुका, सिर्फ लोहा जो था दोस्तों वही रह चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।